इस टूर्नामेंट में अब प्लेयरों को खेलना आ गया, हाउ टू प्ले, बिल्कुल शॉट्स कैसे खेलने हैं और किस टाइम पे खेलने हैं, कैलकुलेटेड शॉट जिसकी आप बात करते हैं। अच्छी विकेटें मिली है पाकिस्तानी विकेट में, अमूमन दूसरी होती है ग्रासी, उस पर बड़ा मुश्किल होता है, मगर ये फ्लैट से थी, इसमें आप जहां जाए जहां मार सकते हैं। अच्छा जावेद भाई, ये जो शॉट अभी इन्होंने खेला है, आप भी यही बता रहे थे ऐसे ही खेलना चाहिए, इस शॉट को हम क्रिकेट की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, ये कैलकुलेटेड शॉट था या फिर ये इम्प्रोवाइज था, ये बॉल को देख के इन्होंने कैलकुलेट किया। आपने विकेट यहाँ लिए ना फील्डर, तो आपने डेफिनेटली आपको इधर आना चाहिए क्योंकि यहाँ खाली है ना। ओके, यानी ये कैलकुलेटेड शॉट था, ऑन पे खाली है ना, क्योंकि मैं यहाँ मारता मुझे तो नहीं मिलेगा कुछ, बिल्कुल फील्डर ही मिलेगा, फील्डर देख के यही चांस है कि मैं किसी तरह, तो उसने जाके उस और वन स्टेप और जाके है ना वो कनेक्ट हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये वेल कैलकुलेटेड शॉट उन्होंने खेला, स्पेस लेके अपना। हम कब से कह रहा हूं कि मैं ये पहले से ही होते तो ऐसे दो शॉट पहले खत्म हो, बिल्कुल ये कोई दूसरी तीसरी दूसरी बॉल पे, इनके पास विकेट इन हैंड है ना, बहुत जरूरी, देखें ये विकेट का रिस्क ले सकते, इनको तो ऑल आउट जाना था ना, बिल्कुल ऐसा ही है के जीतने के लिए। अब जीतना कैसा है विकेट के ऊपर, दिस इज द वन रिस्की शॉट्स आपने लेने, रिस्की जो चीजें है ना, ये हमारे ये जो कोचिज होते हैं, ये होते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि भाई आप ठीक है आप मार कर लेते हैं मगर मारेंगे कैसे, तो उस वक्त है ना बताते तुम इधर जाना, ये पैर यूं करना, पैर आपको बाज दफा यूं पैर खुले रखने पर कि यहाँ भी आ जाओ यहाँ भी आ जाओ, दोनों तरफ कहीं पे भी खेल सकते हैं आप, मैं आपको अपने चेंज करते हैं। सही स्ट्रेटेजी आप अपनी चेंज करते रहे, लेकिन कराची किंग्स ने नहीं की अपनी स्ट्रेटेजी, कराची किंग्स ने स्ट्रेटेजी चेंज नहीं की, कराची किंग्स ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं की, आठ के आठ जो है मुल्तान हर तरह से जीत रहा है, एग्रेसिव खेलते हुए भी जीत रहा है, आज बड़ा कैलकुलेटेड सुकून से खेले, तेज नहीं खेल रहे थे, उन्हें पता था आखिर में कर लेंगे, मुल्तान की बात करने वो फायदा नहीं, कराची की बात करें, कराची जो है वो हर तरह से खेल के हार रहा है, एग्रेसिव खेल रहे तो हार रहा है, डिफेंसिव खेल रहा है तो हार रहा है, ऑफेंसिव खेल रहा है तो हार रहा है, यार हमारे तो पॉइंट टेबल क्या करेंगे हम, पॉइंट टेबल तो आप वैसे ही हमें एहतरामन बिरयानी खिला दें, नहीं 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 नहीं, नहीं बिरयानी की जो बात वो कराची किंग्स के हाथ, जुमे के दिन से उम्मीदें बांधते हैं कराची के अगले मैच से, कराची किंग्स का आज जुमे के दिन है, अब अगला मैच जुमे को कराची का, कराची बहुत फिर तो क्या है, फिर तो बिरयानी को जाए वो, फिर तो आप वहीं से उठा लाएंगे शादी के बाहर, हेलो भैया दो दे दे आप पहुंचे, मुझे लगता है हमारी बिरयानी टीवी पे ना मशहूर हो गई है, ऐसा ही लग रहा है जावेद भाई, हम बिरयानी का आसर 10 और 7 मुकाबला बराबरी पे आ गया, हां अब नेक्स्ट टाइम ये ना हो कि बोल पे कोई भी मिलने आए तो बिरयानी लेके आना, क्या ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कराची किंग्स हमें मौका नहीं दे रहा, जावेद भाई क्यों भूखा मार रहे हैं, भूखा ये क्या वजह है, कराची वालों को खुश होने का कोई हक नहीं है, नहीं है, इस्लामाबाद में देखें कितने जबरदस्त एंटरटेनमेंट चल रहा है वहां पर, तो वहां हमेशा चलता है, लेवल ही और है, बात सहाफियों ने जो है वो अलग एक हंगामा एक बर्फा वाला माहौल बना रखा है जी, हिसाब किताब भी और है, हिसाब किताब भी और है, चले खैर है, वो एक अलग मैच है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।